तो दोस्तों मैं हूं प्रभाकर और आपके चैनल पर अगर एडसेंस बनाते टाइम एरर आ जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि एक काम कर लिया दूसरा कर लिया, भैया दूसरे में हो गई प्रॉब्लम, अब चैनल मोनेटाइज में भेजा लेकिन वो लिख कर आ गया इन प्रोग्रेस, क्या किया जाए। अब इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको एक नई जीमेल आईडी से नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर देना होता है। कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में जानकारी दूंगा, इस वीडियो को देखते रहना। अगर आपके एडसेंस अकाउंट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही, किसी भी तरीके की, तो कमेंट करके बताना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। इनकेस अगर रिप्लाई आपको जल्दी फास्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां पर भी मैसेज टैग कुछ भी कर सकते हैं। आज मैंने एक भाई का एडसेंस अकाउंट सही किया है और इनके एडसेंस अकाउंट को सही करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि हेल्प करते टाइम अगर किसी की हेल्प हो जाए ना, इससे बड़ी खुशी और कुछ मिल नहीं सकती है इस लाइफ में, और वही खुशी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें, लास्ट तक देखें, आपकी एडसेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए वीडियो पर देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एडसेंस में प्रॉब्लम आ जाती है, इन कारणवश किसी भी कारणवश आ जाती है, सभी के एडसेंस में लिखकर आ जाता है कि आपका पहले से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, एसोसिएट करके लिखकर आ जाता है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर YouTube में लिखता हूँ, यहाँ पर YouTube लिखकर क्लिक करता हूँ YouTube पर, और उसके बाद यहाँ पर हम जिस तरीके से YouTube को ओपन करेंगे, और यहाँ पर YouTube को हमने ओपन किया, YouTube स्टूडियो पर नहीं जाएंगे, स्विच अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर हम दूसरा चैनल, एक जिस चैनल पर प्रॉब्लम है उस चैनल को ओपन कर लेंगे। उस चैनल को ओपन यहाँ पर हमने कर लिया है, अब हम यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। जब इस तरीके से इंटरफेस हो जाए, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कॉपीराइट का एक ऑप्शन आता है, उसके नीचे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है, आप मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस दिखता है। इस इंटरफेस में आपको एक काम करना होगा कि पहले आपको ये पता हो कि आपका ये एडसेंस कहीं पर यूज ना किया गया हो। तो अगर आपका ये एडसेंस कहीं पर यूज किया गया है, कैसे पता करेंगे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखो फिक्स इन एडसेंस पर क्लिक कर दो। जब आप फिक्स इन एडसेंस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि अभी यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो रहा है, हमने दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपका एडसेंस क्यों बता रहा है इस टाइप से, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि एडसेंस फॉर यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो लिख कर आ रहा है कि गेटिंग रेडी, लेकिन यहाँ पर यह भी कह रहा है कि आपका एडसेंस यहाँ पर कहीं पर और भी यूज है, यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर कैन यू यूज एडसेंस, ओके। फिर लिखा है कि आप अगर एडसेंस प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं तो पहले आप अपना कहीं पर जहाँ पर यूज है उसको डिलीट करिए, हटाइए वहाँ से एडसेंस को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइट पर क्लिक करेंगे और इस साइट वाले ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो इस भाई ने यहाँ पर एडसेंस ऐड कर रखा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर शो डिटेल पर एक बार क्लिक करेंगे। शो डिटेल पर क्लिक करने के बाद नो डोमेन है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर अब दोबारा से साइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है यू कैन डिले द प्रोसेस समथिंग रिव्यू टेक अप 14 डेज रिमूविंग यू मीन्स यू हैव स्टार्ट ओवर अगेन यू नो सून एज टाइम योर साइट इज रेडी। तो यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करेंगे यहाँ से हम साइट के लिए, और डोंट हैव एनी साइट यहाँ पर हम दिख गया है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और अब हम करेंगे अकाउंट पर क्लिक। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने लिख कर आ गया है कि भैया अब हमारा ये जो अकाउंट है वो अकाउंट इस तरीके से स्टेटस दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर डोमेन बिजनेस जो दिखा रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे, कोलकाता यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड है, यहाँ पर कंटेंट आ रहा है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर सकते हो आप या फिर कॉन्फिडेंशियल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आपके चैनल पर इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए ना, आपका एडसेंस अकाउंट दोबारा से मांग रहा हो, तो इसे क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लोज पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है, और इस तरीके से जब इंटरफेस ओपन होता है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से हमें देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी होम पर क्लिक किया है तो ये लिख कर आ रहा है वी आर वर्किंग ऑन सेटिंग यू अप,
तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा कि मतलब कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही कि कोई सेटिंग में दिक्कत है या फिर कुछ भी। तो अब एक काम करूँगा, यहाँ पर एड्स पर क्लिक करूँगा, एड्स पर क्लिक करूँगा और देखूँगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एड्स पर क्लिक किया, कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर ओवरव्यू पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर एडसेंस फॉर यूट्यूब पर क्लिक कर रहा हूँ, तो लिख कर आ रहा है यहाँ पर गेटिंग एंड लिख कर आ रहा है आई कन्फर्म, यहाँ पर सारी चीज़ें लिख कर आ रहा है टू रीसबमिट, ठीक है। यू फिक्स सम ऑन इशूज बिफोर यू कैन यूज एडसेंस, तो फिक्स करना था व्हाट नॉट अप्रूव कह रहा है, तो अभी हम फिक्स इसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि चैनल पर वापस आ रहे हैं और चेंज एसोसिएशन ही कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब आपके चैनल पर एडसेंस में एरर आ जाता है, चेंज एसोसिएशन लिखकर आ जाता है, सारी चीज़ें लिखकर आ जाती हैं, तो आपको फिक्स इन एडसेंस पर क्लिक करना होगा और जो चीज़ें अभी बताई है वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। उसके बाद जब आप क्लिक करते हो तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसको डाल लेना। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर लिखना आई डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग अकाउंट और यहाँ पर तुम्हें कर देना है कंटिन्यू वन ऑफ द, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, पढ़ना है नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गूगल एडसेंस बनाएंगे एक नई जीमेल आईडी से। तो यहाँ पर पूजा गंगवार जिस नाम से जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर जीमेल आईडी का यूज करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर यस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लो आप। तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ एंड एक्सेप्ट रीड एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर इतना क्लिक करने के बाद क्रिएट एंड अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा, और जैसे ही हमारे सामने इस तरीके से ओपन होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होगा, हमारा एडसेंस अकाउंट बनेगा और एडसेंस अकाउंट में हमें पूरा डिटेल यहाँ पर डालना होगा जो कि हम डाल देते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर रूबरू होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब हमने डाल दिया है सब कुछ यहाँ पर डिटेल, और उसके बाद अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, और इंटरफेस ओपन होने के बाद रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक अपने आप ये अभी हमारा एडसेंस में चला जाएगा। एक बार यहाँ पर हम क्लिक कर दें बस, तो यहाँ पर अब हम क्लिक कुछ भी नहीं करा है, हमने अपने आप रीडायरेक्ट हुआ है। और अभी आपको दिखाता हूँ YouTube चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर यहाँ पर मैं आया हूँ और एरर जहाँ पर लिख कर आ रहा है इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया एडसेंस क्रिएट किया है, और अब आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत मतलब तरीके हैं करने के, और आप भी कर सकते हैं। और आई थिंक ये प्रोग्रेस जो हुआ है, अब आपको मैं बता दूं कि इन्होंने एक वेबसाइट पर अपना एडसेंस लगा रखा था, वहां से डिलीट किया, इनके एडसेंस को डिलीट किया जो पहले बना हुआ था, और उसके बाद अब मैंने यहां पर एडसेंस फिक्स कर दिया है दोबारा से। आपके चैनल पर अगर इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बताना मुझे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो का अगर पॉसिबल हुआ तो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि ये प्रोग्रेस कोड डन हो गया है और रिव्यू में चला गया है, राइट। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।